हो गए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम गिलानी प्रॉपर्टीज़ एंड कंस्ट्रक्शन के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हाजिर हैं। ये जो हम काम कर रहे हैं, ये तकरीबन को 600 यार्ड का प्लॉट है जिसके ऊपर हमने डिगिंग का वर्क किया था। तो उसके बाद तकरीबन यहाँ पे डेली ओवर द नाइट 6 से 7 फीट पानी आ जाता था इस प्लॉट के अंदर। खैर, उसको बड़ी मुश्किल से कंट्रोल किया पानी को, लेकिन अभी आप नीचे देख सकते हैं कि पानी आ रहा है। नीचे आप ये देख सकते हैं कि पानी आ रहा है और मुसलसल इसके ऊपर 24 आवर हम इसको पानी को निकाल रहे हैं। मशीन्स चलती रहती हैं, अपना काम करती रहती हैं। इसके ऊपर सबसे पहले आप ये सामने स्टोन देख सकते हैं। स्टोन का हमने इसके ऊपर अपना सोलिंग वर्क कंप्लीट किया। उसके बाद हमने इसके ऊपर 5 इंच की पीसीसी की है, पीसीसी वर्क किया है। पीसीसी वर्क के बाद हम इसके ऊपर अपना हमने इनके जाल बांधा है। इसके ऊपर 12 mm के सरिये का जो मैश वर्क किया हमने कम्प्लीट किया। उसके बाद हमने इसमें चेयर जो दी है, वो 2 फिट की चेयर दी है हमने इसके अंदर, और 2 इंच की चेयर के बाद फिर हमने जो मैश वर्क कम्प्लीट किया इसका 12 mm के बाहर से। और इसके अंदर जो हम ये कॉलम्स वगैरह लगा रहे हैं, ये 5 फिट के कॉलम है जो आप देख सकते हैं। ये इसका वाटर टैंक बन रहा है इसका प्लॉट का, और ये जो वाटर टैंक है ये 14x30 का वाटर टैंक है। 14x30 का वाटर टैंक इसका हम बना रहे हैं। इसकी हाइट जो होगी तकरीबन 11.5 फिट होगी इसकी वाटर टैंक की। ये अंडरग्राउंड वाटर टैंक है इसका, और ये सारा बेसमेंट का वर्क हम कर रहे हैं। और इसकी वॉल्स की तरफ चलते हैं, आज इसकी वॉल्स की तरफ चलते हैं। जैसा आप देख सकते हैं इसके ऊपर काफ़ी हद तक तकरीबन 95% इसका शटरिंग का जो काम वर्क है वो कंप्लीट हो चुका है। और इसकी वॉल्स जो है हम तकरीबन इसके अंदर जो हम फ्लोरिंग करेंगे कंक्रीट की, तकरीबन वॉल्स इसकी तैयार होगी 8 इंच की मोटाई होगी। 8 इंच की मोटाई के साथ हम इसकी अपना वॉल इसकी भरेंगे। और इसका जो बेड राफ्ट बेड जो हम इसका तैयार कर रहे हैं, राफ्ट तकरीबन 3 फिट माल आएगा इसके अंदर। और इसके अंदर अगर मटीरियल की बात की जाए तो तकरीबन 3 से 3,350 तकरीबन इसके अंदर सीमेंट के बैग हम इस्तेमाल कर रहे हैं। और जो सरिया है इसके अंदर जो बार हमने आयरन यूज़ किया स्टील, तकरीबन वो 28 से 30-32 टन माल इसमें सिर्फ राफ्ट के अंदर हमारा लगा। और ये कॉलम और ये जो रिटेनिंग वॉल आप साइड पे देख सकते हैं, रिटेनिंग वॉल के अंदर जो भी अभी अब तक जो हम यूज़ कर चुके हैं तकरीबन 28 से 30 टन माल हमारा इसके अंदर आ चुका है। क्योंकि जो इसका जो ग्राउंड लेवल है उसके अंदर काफ़ी वाटर है, पानी बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। ओवर द नाइट 6 से 7 फिट पानी आ जाता है इसके अंदर। तो इसकी वजह से हम जो है अपना इसके अंदर हमने राफ्ट भी अच्छी बना रहे हैं इसको, और जो हमारा स्टील है वो भी ज़्यादा लगा है इसकी वजह से, ताकि नीचे से इन फ्यूचर हमारी जो बिल्डिंग हाई राइज बिल्डिंग खड़ी हो, इन फ्यूचर उसके अंदर किसी भी किस्म की कोई प्रॉब्लम ना आए, इसलिए हम बड़ा केयरफुली इसका काम कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आपके सामने काम है, आप काम देख सकते हैं जिस तरह भी है बेहतरीन चल रहा है इसका। ये वाटर टैंक जैसे आपको पहले बताया, शटरिंग का काम इसका चल रहा है। नीचे आप राफ्ट दे सकते हैं और पानी भी आप देख सकते हैं, पानी इसमें आ रहा है कंटिन्यूसली। हम इसके अंदर जो है यूज़ कर रहे हैं, हम जनरेटर वगैरह से पानी निकाल रहे हैं, हम इसका पंप आउट कर रहे हैं इसको पानी को। और इसके अंदर हमने स्पेसर की जगह हमने जो है इसके अंदर टफ टाइल का इस्तेमाल किया है, जो ज़्यादा रिलायबल है और ज़्यादा मज़बूत है। इसके अंदर आप देख सकते हैं 5 फिट का सरिया सारा ब्रांडेड काम है। और केमिकल वगैरह के साथ हम इंशाल्लाह इसका जो है कंक्रीट का जो भी मिक्सिंग होगा उसको हम उसमें केमिकल भी इस्तेमाल करेंगे इंशाल्लाह। ये हाई राइज बिल्डिंग है जो आप देख सकते हैं, ये हमारे सगीर भाई हैं, इसके ऊपर बहुत मेहनत कर रहे हैं काम के ऊपर। सगीर साहब मुतमईन हैं आप काम से? माशाल्लाह सर, इंशाल्लाह मुतमईन है इस काम पर। जब मुतमईन होता है तो बंदा काम करता है, रिक्स में रह के तो काम कुछ भी नहीं हो सकता। इंशाल्लाह काम बेहतरीन होगा, किसी किस्म की कमी कोई पैसे में या किसी काम में मटेरियल में किसी किस्म की कमी आपने देखा? काम कर रहे हैं दिल से ताकि किसी भी चीज़ का रिक्स नहीं हो। चले इंशाल्लाह। और ये भाई गिलानी प्रॉपर्टीज एंड कंस्ट्रक्शन के साथ सालों से काम कर रहे हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं सगीर भाई, अल्हम्दुलिल्लाह। और इंशाल्लाह आने वाले वक्त में भी इंशाल्लाह साथ काम करते रहेंगे इनके साथ इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच।